नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्या आपके साथ इस वक्त के मुख्य समाचारों में। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के बेटे की कार का एक्सीडेंट, इसकी चपेट में आने से 58 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई। मृतक की पहचान बागलकोट जिले के चिखंडागल गाँव के रहने वाले किसान कोडलेपा बोली के रूप में हुई है। कोरोना से हुई है मौत तो परिवार को मिलेगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान। मानसिक रोगियों को भिक्षुगृह भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, भिक्षुगृह भेजने की प्रक्रिया तुरंत रोकने का दिया निर्देश। भारत में फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को खूब प्यार करते हैं, अभिनेत्रियों के नाम पर तमिलनाडु में फैंस ने बनाए मंदिर। अब समाचार विस्तार से। आज बोंटी टांडा के करीब जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने जन्मदिन मनाने से ज्यादा जरूरी टीकाकरण को मानते हुए टीकाकरण शिविर चलाया और उन्होंने गाय को भोजन कराया। इस अवसर पर डॉक्टर सिद्धराम और भालकी के पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे ने कहा कि प्रभु चौहान ने बीदर को कोरोना से मुक्त रखने के लिए एक योद्धा की तरह काम किया है। साथ ही उदगीर से आए हुए पूर्व विधायक गोविंद केंद्रे ने कहा कि औराद ही नहीं भालकी और उदगीर में भी प्रभु चौहान लोगों का काम करते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के बेटे चिदानंद की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी चपेट में आने से 58 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई। मृतक की पहचान बागलकोट जिले के चिखंडागल गांव के रहने वाले किसान कोडलेपा बोली के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक चिदानंद सावदी की कार का एक्सीडेंट सोमवार देर शाम हुगुंड कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 50 पर कुडल संगम क्रॉस के पास हुआ था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब किसान अपनी बाइक पर खेत से घर वापस जा रहा था। बागलकोट के एसपी लोकेश जगरसर ने बताया कि उन्होंने हनुमान सिंह राजपूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जो कार चला रहा था। यह कार मंत्री लक्ष्मण सावदी के बेटे चिदानंद सावदी की है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि चिदानंद कार चला रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक मदद देने की योजना की मंगलवार को शुरुआत की। इसका नाम मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है। योजना का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पर ही मुआवजे और पेंशन के लिए आवेदन हो सकेंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से पूरी मानव जाति कोरोना से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि केवल भारत नहीं पूरी दुनिया पर इसका प्रकोप है। हमारे देश में 2 लहर आ चुके हैं, पहली लहर पिछले साल और दूसरी इस साल अप्रैल के महीने में। देश के लिए 2 लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए यह 4थी लहर थी। दिल्ली की 4थी वेव बहुत ज्यादा गंभीर थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा होगा जो कोरोना संक्रमित न हुआ हो, और दूसरा इसमें बहुत से लोगों ने जान गंवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रहे मनोरोगियों का वैक्सीनेशन करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनोरोगियों को भिक्षुगृह में रखे जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने मानसिक रोगियों को भिक्षुगृह भेजने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। पुनर्वास से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, तुम बार बार फोन करने से मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुम्हें कोई सर्वे नंबर मालूम है? आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्यून है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा। हजार कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24x7 हिंदी चैनल है। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24x7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयास खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयास खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयास खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही
उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयास खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है, ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश के कुछ राज्यपालों को ट्रांसफर करके दूसरे राज्यों में भेजा गया है, जबकि कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को ट्रांसफर करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी तरह हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को ट्रांसफर करके त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को ट्रांसफर करके झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार की विज्ञप्ति के अनुसार यह नियुक्तियां ऑफिस में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावित मानी जाएंगी। ट्विटर के खिलाफ याचिका मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने माना कि उसने नए आईटी नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांश अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की। ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रीवांश अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा। अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा, आप हमें ट्विटर से पूछकर बताएं कि कितना समय लगेगा आपको ग्रीवांश अधिकारी नियुक्त करने में। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को दो टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लाएं वरना आप परेशानी में होंगे। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ट्विटर के वकील ने कहा था कि सैन फ्रांसिस्को में समय अलग है, इसके लिए समय दिया जाए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शेंग लॉन्ग इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में वे सिंगापुर में सिलाट रोड सिख मंदिर के उद्घाटन के दौरान सिख पोशाक पहने हुए नजर आए। उन्होंने सिर पर पगड़ी भी पहनी हुई है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया। परमिंदर सिंह द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में सिंगापुर के प्रधानमंत्री पगड़ी पहनकर मेहमानों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने पगड़ी पहनकर एक नए पुनर्निर्मित गुरुद्वारे का उद्घाटन किया और सच्ची अकाल के साथ सभी का अभिवादन किया। भारत में फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को खूब प्यार करते हैं और उसे जताने का तरीका भी अलग होता है। अपने मनपसंद अभिनेता और अभिनेत्रियों को फैंस खूब प्यार और सम्मान भी देते हैं और हर बार उनका प्यार जताने का अंदाज भी अलग होता है। ये तो पता है कि फैंस स्टार्स को भगवान मानते हैं लेकिन उनका मंदिर भी बनाते हैं। आपको कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के नाम बताएंगे जिनके नाम पर तमिलनाडु में फैंस ने मंदिर बनाए हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हंसिका मोटवानी को फैंस खूब पसंद करते हैं। हंसिका ने धनुष के साथ पदिक थवन फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हंसिका को अपने अलग अलग अंदाज और स्टाइल से पहचाना जाता है। हंसिका ने बोगन, वेट्टी मन्ना, पार्टनर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। निधि अग्रवाल अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। फैंस उन्हें बहुत प्यार देते हैं। उनके फैंस ने उनके नाम पर चेन्नई में एक मंदिर बनाया। इतना ही नहीं, उनकी बनाई गई मूर्ति पर दूध और दही से उनका अभिषेक भी किया गया था। नमिता साउथ की फिल्मों का जाना माना चेहरा है। नमिता ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इन्होंने नान अवन इल्लई, अजगिया तमिल मगन, बिल्ला, इंग्लिश करण और कोवई ब्रदर्स जैसी हिट फिल्में दी हैं। फैंस उन्हें इतना पसंद करते हैं कि 2008 में तमिलनाडु के तिरुनेलवल्ली में फैंस ने उनका मंदिर ही बना डाला। खुशबू पहली अभिनेत्री थी जिनका पाल्हे मंदिर बनाया गया था। खुशबू को किजाकू वासल फिल्म से जाना जाता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उनका मंदिर बनाया गया था लेकिन उनके कुछ आपत्तिजनक बयान से गुस्से में आकर फैंस ने मंदिर को तोड़ दिया था। नयनतारा साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट अभिनेत्रियों में से एक हैं। अपने अलग स्टाइल और अदाकारी से नयनतारा ने लोगों का दिल जीता है। नयनतारा को फैंस देवी की तरह मानते हैं और 2014 में फैंस ने उनके लिए मंदिर बनाना चाहा लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के बेटे की कार का एक्सीडेंट, इसकी चपेट में आने से 58 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई। मृतक की पहचान बागलकोट जिले के चिखंडागल गाँव के रहने वाले किसान कोडलेपा बोली के रूप में हुई है। कोरोना से हुई है मौत तो परिवार को मिलेगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान। मानसिक रोगियों को भिक्षुगृह भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने
महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, भिक्षागृह भेजने की प्रक्रिया तुरंत रोकने का दिया निर्देश। भारत में फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को खूब प्यार करते हैं, अभिनेत्रियों के नाम पर तमिलनाडु में फैंस ने बनाए हैं मंदिर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।